बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पेशावरी चप्पल कबाब बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 kg जो है वो कीमा ले लिए, धो के इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके खुश कर लिए कीमे को। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने 4 अदद जो प्याज है बिल्कुल इनको बारीक बारीक मैंने काट लिए, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और 8 से 10 अदद मिर्ची जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। धनिया मैंने काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन है इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1/2 कप मैं इसमें बेसन ऐड करने लगी हूँ। और 2 इसमें मैं एग शामिल करने लगी हूँ। एग और बेसन से ये होता है कि हमारे जो कबाब है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। 3 टीस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने पहले से पीस कर रखा हुआ था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। अब इसके अंदर मैं हंसबे ज़रो नमक ऐड करने लगी हूँ। हल्दी है, सूख मिर्चे हैं, गरम मसाला है और यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया है। सब मसाले हम डालें, आप अपने कीमे के लिहाज से उस लिहाज से आप मसाले ऐड कर दें। यहाँ मैं 2 टीस्पून जो है वो दरदरा जो मिर्च कहते हैं, जो मोटी मोटी पिसी हुई होती है, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। उनसे जो जायका है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ सब को अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी। हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने मिक्स हो गया, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब ये मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, ये हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम ये टमाटर सबसे लास्ट में ऐड करके अब मैं इसको फिर अच्छी तरह से मैश करूँगी अच्छी तरह से, ताकि जो टमाटर सारे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भी मैश कर लिया है। ये देखें अब मैं यहाँ पे कबाब बनाती हूँ। ये देखें, ये आपने जितना आपने साइज रखना हो, जैसे पेशावरी जो चपली कबाब होते हैं उनके तो साइज जो है वो बड़ा होता है, हम भी ये इतने साइज के ये देखें बनाने हमें। और ये देखिए मैंने टमाटर जो है वो बिल्कुल गोल गोल काट के रखे हुए हैं जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये एक टमाटर हम ले लेते हैं और हम इस कबाब के ऊपर ऐसे, ये देखिए ऐसे इसको ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा देना है हमने कबाब को ऐसे, ताकि ये अंदर की तरफ मिल जाए। ठीक है, इसी तरह हमने सारे अपने कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। देखिए नाज़रीन, मैंने अपने कबाब रेडी कर लिए थे, तो मैं इनको थोड़ा देर जो है फ्रीज़र में रख दिया था इनको, तो अब मैं इसको जो है फ्राई करने लगी हूँ। देखिए मैं अपने अनियन के कबाब डाल रही हूँ, सारे कबाब आपने इतना पैन में है तवे के थोड़ा फ्राई कर लिया इस तरह आप लोग। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें कबाब डाल लिए, अब उसके ऑयल गर्म होगा तो आप इतना इसके ऊपर डालें ताकि ऊपर से भी साफ कर पाते हैं। हम सारे कबाब जो है इसी तरह अपने रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारे जो है पेशावरी चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। देखें बहुत अजीब लग रहे हैं, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।